अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे आई विल डिस्कस विद यू द बेसिक करैक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम। एज यू ऑल आर अवेयर फ्रॉम द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, इट्स मीनिंग, its nature and its ideology concept. So students, today we will discuss about its characteristics. आप लोगों को इसके characteristics बताने से पहले मैं थोड़ा सा इसके meaning of political system से relevant एक overview दे देती हूँ बच्चों, जिससे रेलिवेंट हम अपना आज डिस्कस टॉपिक करेंगे उसमें हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में बच्चों, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, द पॉलिटिकल सिस्टम इज़ द बेसिस ऑफ ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन अ स्टेट। इट इज़ इमेटीरियल, मीन्स इमेटीरियल मीन्स गैर मादी, बे ऐप। Whether the system is parliamentary democracy, absolute dictatorship or an enlightened monarchy. Basically students, मैंने आपसे जैसे political system के बारे में discuss किया है उससे relevant मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो political system के अंदर हम discuss करते हैं वो basically जो political system है वो एक state की political different activities के ऊपर base करता है। इसके अंदर different parliamentary democracy, absolute dictatorship, उसके अलावा monarchy, ये कुछ फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं स्टूडेंट्स जो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा दिस सिस्टम, वंस दिस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड वेदर विद विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द पीपल और इम्पोज फ्रॉम अबव, दोज इन पावर एंड अथॉरिटी विश टू मेंटेन दैट एट ऑल कॉस्ट। स्टूडेंट इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डिफरेंट लोगों की जो कोऑपरेशन होती है इन तमाम गवर्नमेंट के निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए कि लोग आपस में फैसला करते हैं, आइदर देर शुड बी डेमोक्रेटिक सिस्टम और देर शुड बी डिक्टेटरशिप। सो इस बेसिस के ऊपर वो अथॉरिटी और पावर को मेंटेन रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम को रेगुलेट करते हैं जिसके तहत वो अपना एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट डेल के वर्ड्स में बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ पॉलिटिकल सिस्टम के, वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, वर्चुअली नो वन इज़ कम्प्लीटली बियॉन्ड द रीच ऑफ सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। स्टूडेंट्स बेसिकली ये रॉबर्ट ये कहना चाहता है कि बेशक आप इसको पसंद करें या ना करें, एक कुछ पॉलिटिकल सिस्टम्स के पहुंचने तक पीछे कोई ना कोई वर्चुअल इज़ नो वन, कोई भी कम्प्लीटली उसके पीछे नहीं होता। बेसिकली अकॉर्डिंग टू हिम एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड टू सम एक्सटेंट एट सम स्टेज इन सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बोथ विलिंगली और अनविलिंगली। सो बेसिकली स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया है, रॉबर्ट ये कहना चाहता है कि हर इंसान किसी न किसी स्टेज के ऊपर ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होता है जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा है माशरे में, चाहे वो करना चाहता है या वो नहीं करना चाहता। बट स्टूडेंट्स अ पर्सन इन्वॉल्व इन ए पॉलिटिकल सिस्टम आइदर ही वॉन्ट्स और नॉट। फर्दर स्टूडेंट्स मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर आज के लेक्चर में। इन आवर मॉडर्न टाइम्स नो पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी आइदर परमानेंट और स्टेबल। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि आज के माशरे के अंदर कोई भी सिस्टम मॉडर्न टाइम्स में ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट और स्टेबल हो। इसके साथ साथ If that becomes so, that is bound to degenerate itself and can conveniently be placed under the category of a state. Category of a state or degenerated system. Such a system is bound to create many lags in socio-economic system as well. सो बेसिकली स्टूडेंट्स आजकल के टाइम के अंदर अगर ये बिकम ये बेसिकली अगर ये कोई भी सिस्टम
एक बाउंड क्रिएट करता है डिफरेंट सोशो और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, कि उनका जो सोशल सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितना वैलेंट तरीके से अपने प्राइज़ को सरंजाम दे रहा है। इनफैक्ट विद द कमिंग ऑफ अवेकिंग इन एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, द सिस्टम हैज़ रैपिडली स्टार्टेड चेंजिंग एंड न्यू सिस्टम्स आर क्विकली अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द पीपल। इट वॉज अ टाइम वैन फ्यूडल सिस्टम prevailed all over the world and that was gladly accepted by the people. Students, in the modern time with the coming time, ऐसा जागीरदाना निज़ाम जहाँ पे political system जहाँ exist करता है वहाँ के लोग बहुत तेज़ी से मुख्तलिफ़ किस्म की social और economic changes को accept करते हुए मुतवज्जा होते हैं और वो अपने निज़ाम में के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं जो कि उनकी लोगों की मुख्तलिफ़ किस्म की attentions को attract करता है। सो बेसिकली इट डैट बिकेम अ वे ऑफ लाइफ फर्दर स्टूडेंट्स, बट एज द टाइम पास्ड रिलीजन बिकेम वेरी पावरफुल एंड इवन फ्यूडल लॉर्ड्स एक्सेप्टेड सुप्रीमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस लीडर्स। सो स्टूडेंट, इन पास्ट देर वॉज अ फ्यूडल सिस्टम। सो बेसिकली जब फ्यूडल सिस्टम एग्जिस्ट करता था तो उनके अंदर रिलीजन बेसिकली बहुत पावरफुल था और उनकी रिलीजन बहुत, जब उनका इस्लाम बेसिकली बहुत ज़्यादा मजबूत होता आया तो उन्होंने सुप्रीमेसी और उनकी अथॉरिटी को, जो हमारे मजहबी नुमाइंदगान थे उनकी सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को मानना तस्लीम कर दिया। विद द पासिंग ऑफ टाइम पीपल बिकेम मोर कॉन्शियस एंड डिमांडेड देयर शेयर इन द रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपनी कॉन्शियसनेस को और डिमांड को अपने एक चलने वाले निज़ाम के अंदर, एक फॉर एग्ज़ाम्पल माशरे के अंदर, अपनी ही कंट्री के अंदर स्टूडेंट्स उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज से रेलिवेंट, अपने राइट्स से रेलिवेंट, अपनी फ्रीडम से रेलिवेंट उन्होंने अपने डिमांड्स को इंक्रीज करवाना शुरू कर दिया। और इसी तरह स्टूडेंट्स हमेशा पुराना सिस्टम, जो कि ऐसा निज़ाम जो कि माशरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, हमेशा तब्दीलियों को रेजिस्ट करना चाहता है। सो बेसिकली स्टूडेंट इसके साथ साथ जो उनकी फोर्सेस थी जो कि माशरे के एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को ख़राब ना करते हुए, स्टेटस को ना ख़राब करते हुए तब्दीली लाना चाहती थी, उन लोगों ने उनके इंटरेस्ट से रेलिवेंट तब्दीलियां लाना शुरू कर दी। और इसी तरह हर तब्दीली ने एग्जिस्टिंग जो उनके हुक्मरान थे बैकग्राउंड के अंदर, उन्होंने न्यू सेट किया, न्यू रूल्स ऑफ लॉज को सेट करते हुए डिफरेंट चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। और इस तरह जो उनके लोग थे, जो उनके रहनुमा थे, उन्होंने मुख्तलिफ सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस को एग्जिस्ट करवाते चेंजिंग्स करते हुए जो उनकी एग्जिस्टिंग एलिट्स थी, उन्होंने ज़िंदगी के हर इन ऑल वॉक्स ऑफ द लाइफ के अंदर उन्होंने उन तब्दीलियों को माना। सो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सो बेसिकली स्टूडेंट इन पास दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद द रिलीजियस एलिट्स विद द पासिंग ऑफ टाइम। सो बेसिकली जो मेन पर्पज़ एग्जिस्ट हुआ गुजरते वक्त के साथ वो यही था कि जो मजहबी हमारे हुक्मरान थे, मजहबी हमारे नुमाइंदगान थे, उन्होंने सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखते हुए, इंक्रीजिंग चैलेंजेस को और आवाम के बढ़ते हुए इंटरेस्ट को देखते हुए उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजिंग क्रिएट की। दे टू हार्ड टू बो बिफोर द डेमोक्रेटिक सिस्टम विच बिकेम मोर एंड मोर पॉपुलर। सो बेसिकली इस प्रोसेसिंग के थ्रू एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होता गया, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम था। और इसके अलावा स्टूडेंट सोसाइटी के अंदर डेमोक्रेसी, उनकी सियासत के अंदर और समाजी ताल्लुकात के अंदर, और इसी तरह बेसिकली डेमोक्रेसी उनकी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर भी अपना दारोमदार और अपनी मदाखलत को बरकरार रखते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम ने बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। और फिर इट कंसीडर एज द मोस्ट एडवांस्ड वन, और बेसिकली डेमोक्रेटिक सिस्टम बिकम द मोस्ट एडवांस्ड वन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। सो इट इज़ अ नॉन फैक्ट डैट वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर टू वर्ल्ड वार्स इन अ बिड टू सेव डेमोक्रेसी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स पॉलिटिकल सिस्टम की नेचर के अंदर हमें अच्छी तरीके से ये पता है कि पास्ट के अंदर भी वेस्टर्न जो हमारी दुनिया है वो बेसिकली दो बड़ी अजीम जंगें अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए लड़ चुकी है।
सो बेसिकली स्टूडेंट्स, फॉर स्टार्टिंग टूडेज मेन थीम ऑफ द लेक्चर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पोलिटिकल सिस्टम, आई गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ अ पोलिटिकल सिस्टम. फर्दर आई विल प्रोसीड माई लेक्चर थ्रू द सम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम. द वन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इज यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ लीगल फोर्स. द फर्स्ट एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इज दैट इट अलाउज द लीगल अथॉरिटी टू यूज़ फोर्स. इट इज़ वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. जो हमारे पोलिटिकल सिस्टम का पहला हमारी जो खसूसियत वो ये है, जो लीगल अथॉरिटी के मेम्बर्स होते हैं उनके पास ये अथॉरिटी आ जाती है कि वो क्या करें, अपनी पावर का इस्तेमाल करें. If David Easton speak of authority allocation of values, अगर authority allocation यानी इख्तियारात की सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू को अगर डेविड ईस्टन देखता है एंड दहल की जो पावर रूल एंड अथॉरिटी का जो कंसेप्ट है, आज दीज डेफिनेशंस इम्प्लाई डैट लीगल अथॉरिटी कैन यूज़ फोर्स टू कंपेल एनी बॉडी टू ओबे इट्स ऑर्डर. स्टूडेंट, अगर हम डेविड ईस्टन और रॉबर्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर रूल एंड अथॉरिटी को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि तो बेसिकली लीगल अथॉरिटी जो होती है एक किसी न किसी लीडर की, वो किसी भी इंसान को उसकी लीगल बात को मानने के लिए, ओबे करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की फोर्स यूज कर सकती है. सो बेसिकली स्टूडेंट, इट पोजेसिस लेजिटिमेट एंड हैवी सेंक्शन एंड राइटफुल पावर टू पनिश. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, वो एलिट क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की राइट्स और सेंक्शंस को यूज करता है किसके लिए, कि वो उनकी लॉ को, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पोजेस करें, और इसके लिए अगर वो इसको नहीं मानते तो वो पनिश भी कर सकता है. इसके अलावा हम मैक्स वेबर की जो डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है जो लीगल यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, हम एग्री करते हैं कि जो लेजिटिमेट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है डिफरेंट डिस्टिंक्ट के अंदर, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, और गिव करता है और देता है फॉर एग्जांपल स्पेशल क्वालिटी एंड इम्पोर्टेंस फॉर वो मुतहिद करने के लिए सिस्टम को. मैक्स वेबर कहता है कि जो लेजिटिमेसी है यानी यूज़ ऑफ लीगल अथॉरिटी है वो, और यूज़ ऑफ फोर्स है वो क्या करता है, बेसिकली सिस्टम के अंदर स्पेशल क्वालिटी और इम्पोर्टेंस देता है उसके सिस्टम को मुतहिद रखने के लिए. व्हेन द स्टेट और गवर्नमेंट एक्सटेंड्स सर्टन फैसिलिटीज़ देन एट द सेम टाइम इट पोजेसिस पावर टू इम्पोज टैक्सेस अपॉन द पीपल एंड पनिश दोज हु वायलेट दोज ऑर्डर्स. सो बेसिकली स्टूडेंट, जब स्टेट और गवर्नमेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़ के होते हुए इसी मौके पे अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को रन करती है तो वो क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है लोगों को, उनकी वायोलेशन ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स को वायोलेट करने पर उनको पनिश करती है और उनको अपने फोर्स के थ्रू उनको ओबे करने पर पाबंद करती है. नंबर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज इंटरैक्शन. सो बेसिकली स्टूडेंट, आलमंड अपनी किताब में लिखता है, जो उसकी किताब है द पॉलिसीज ऑफ डिवेलपिंग एरियाज, द पॉलिसीज ऑफ डिवेलपिंग एरियाज, आलमंड सेज पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन टू बी फाउंड इन ऑल इंडिपेंडेंट सोसाइटीज विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इंटेग्रेशन एंड एडॉप्शन बोथ इंटरनली एंड वाइज अदर सोसाइटीज बाई मीन्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्रेट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और मोर और लेस लेजिटिमेट फिजिकल कंपल्शन. सो बेसिकली इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड. आलमंड कहता है जो सियासी निज़ाम है बेसिकली वो एक ऐसा निज़ाम है जो कि आज़ाद माशरों को एक ऐसा फंक्शन और एक ऐसा निज़ाम अपनाने पे मजबूर कर देता है जिसके अंदर लोगों को रोज़गार फराहम करने का और उनको मुख्तलिफ किस्म की फ़िज़िकल जो उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने के लिए ऑर्डर्स बनाए गए हैं उसको मानने की मुख्तलिफ किस्म की आई कैन से मुख्तलिफ किस्म के रूल्स होते हैं, यानी
उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट का थ्रेट होता है और उनको अपनी फिजिकल कंपल्शन यानी उनको फिजिकली जो भी उनके उन्हें ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको अपनी फ्रीडम के अंदर उसको मानने का जो थ्रेट होता है, तो आज़ाद माशरे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत तेज़ी से अपनाते हैं जिसके अंदर उन्हें ये मुख्तलिफ किस्म के अपने थ्रेट्स को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहते हुए पूरा करना होता है। सो दस द पॉलिटिकल सिस्टम नॉट ओनली इंक्लूड्स गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, बट आर स्ट्रक्चर्स इन देयर पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल सिस्टम ना सिर्फ हुकूमत के लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स को एग्जिस्ट करता है बल्कि ये तमाम स्ट्रक्चर एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। सो एंड अमंग दीज आर इंक्लूडेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लाइक पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, media of communication, traditional structures such as kinship ties, caste grouping. So student, basically in structure के अंदर यानी executive, legislature और courts के administrative के system के और agencies administrative agencies के अलावा students मुख्तलिफ किस्म की organization, parties, political institutions, interest groups, media, ये सब के सब political system के अंदर exist करते हैं। और इसके अलावा political system एक interaction formal और informal institutions के अंदर, जैसे कि मैंने अपने अपने previous lectures के अंदर आपको briefly इसका सारा इसकी डेफिनेशन और इसका जितना भी कॉन्सेप्ट है बच्चों मैंने आपको दिया है। सो बेसिकली इसके जो इंटरेक्ट इसका करैक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेक्शन है पॉलिटिकल सिस्टम का, उसके अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के अंदर ये एक क्रिएट करती है। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन डिवाइड होता है 3 फेसेस के अंदर, इनपुट, कन्वर्जन एंड आउटवर्ड। इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इंटरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, दैट द इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइडेड इंटू इनपुट, कन्वर्जन एंड आउटपुट। ओके, सो स्टूडेंट फर्दर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है वेरियस इंटरेक्शन को जो कि डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू लाई गई हैं, इन विच जमींदारी अबॉलिशन एंड सोशलिज्म एंड रिमूव पॉवर्टी। क्लियर। द थर्ड वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टूडेंट इंटरडिपेंडेंस ऑफ पार्ट्स। सो इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट व्हेन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन कंपोनेंट इन ए सिस्टम चेंज ऑल द अदर कंपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू के बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम चेंजेस के ऐसे इंसान की प्रॉपर्टी इन कंपोनेंट एंड द सिस्टम एज अ होल आर इफेक्टेड। अगर एक फॉर एग्जांपल किसी एक बंदे की फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी कारकर्दगी जो कि सिस्टम को चेंज करेगी, तो बेसिकली पूरा सिस्टम इससे इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक अपना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल किरदार अदा करती हैं जो कि मास मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो एंड न्यूज़पेपर के तहत अपनी सो बेसिकली चेंज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम एंड इफेक्ट द जनरल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। सो बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया और डिफरेंट सोर्सेज जो हैं अपनी फंक्शनिंग के थ्रू स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को इफेक्ट करते हैं और जो कि जनरल वर्किंग ऑफ द सिस्टम को इफेक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स नॉट ओनली दैट बट द इमर्जेंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस एंड प्रेशर ग्रुप्स इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। सो बेसिकली स्टूडेंट इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड के ट्रेड यूनियंस की और प्रेशर ग्रुप्स की जो इमर्जेंस है वो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज की वर्किंग को इफेक्ट करती है और उनके इलेक्टोरल प्रोसेस को विच हैपन जो कि इलेक्शंस के अंदर होता है और लेजिस्लेचर को, ब्यूरोक्रेसी को और जुडिशल सिस्टम को। मिसाल के तौर पर अगर कोई गवर्नमेंट प्राइजेज और इन्फ्लेशन यानी कीमतों का बढ़ जाना और उसका उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस को बरकरार नहीं रखती और इन्फ्लेशन होती है प्राइजेज के अंदर, तो उनका जो मजदूर तबका है वो क्या करता है, अपनी मजदूरी को बढ़ा देता है। अगर फॉर एग्जांपल इन इजी वर्ड स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर हुकूमत की तरफ से महंगाई बढ़ जाती है, आटा महंगा हो जाता है और एक मजदूर उसको नहीं ख़रीद सकता, तो उसका क्या नतीजा सामने आता है, उसका नतीजा ये सामने आता है कि वो मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ा देता है। इन केस द डिमांड इज़ नॉट मेट बाय द एम्प्लॉयर्स, और इस सूरत में अगर उनकी डिमांड जो है एम्प्लॉयर से नहीं मिलती तो
क्या करता है, मजदूर क्या करता है, स्ट्राइक करता है, जो कि क्या माशरे के अंदर वायलेंस क्रिएट करते हैं। और इस सूरत में जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं पॉलिसीज़ को, और पॉलिसी जो है वो क्या होती है डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉ और अमेंडमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चुकी है, तो उनकी उन डिमांड्स और उनकी उन नीड्स को पूरा करने के लिए उन सब के अंदर एक क्योस की सिचुएशन हो जाती है। सो इन सच केसेस जो मिल ऑनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मिल्स को क्लोज कर देते हैं, और इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट विल हैव टू इंटरवीन बाय अपॉइंटिंग अ ट्रिब्यूनल कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर द मैनेजमेंट एंड द स्टेट। सो इस सूरत में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने इनके रिप्रेजेंटेटिव क्रिएट करती है जो कि इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इफ द डिस्प्यूट इज नॉट सॉल्व बाय द ट्रिब्यूनल, और अगर इन ट्रिब्यूनल्स के तहत स्टूडेंट उनका मसला हल ना हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है एक ऐसा लेजिस्लेटिव जो कि एक लॉ पास करती है जो कि उन्हें उनकी कम से कम उजरत और उनकी ज्यादा से ज्यादा जो उनकी डिमांड्स को पूरा कर सके अकॉर्डिंग टू द कॉरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्राइस इंडेक्स, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो कि माशरे के जो कि निज़ाम के अंदर एक चीज़ों की कीमतों को बढ़ा चुका होता है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, बोनस फिक्स कर देती है हर एम्प्लॉय का। सो ऑल दिस एम्प्लॉय डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ हैपनिंग ऑफ अ ग्रेट मैग्नीट्यूड इफेक्ट द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। सो स्टूडेंट ये आप लोगों को शो करता है कि एक छोटा सा लाया अमल किया हुआ मुल्क निज़ाम के अंदर कैसे पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। द फोर्थ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज कम्प्रीहेंसिवनेस। पॉलिटिकल सिस्टम इज कम्प्रीहेंसिव बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल द इंटरेक्शन फ्रॉम द फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी। सो बच्चों इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया है के लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव जुडिशरी कोर्ट्स और एजेंसीज के साथ साथ डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप्स इंटरेस्ट ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स मीडिया एंड डिफरेंट सोर्सेज दीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक निज़ाम को चलाने के लिए कम्प्रीहेंसिव वे में अपना किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ उनकी जो इंट्रैक्शन होती है रीजनलिज्म की रिलीजियस उनकी इन्फ्लेशन पार्टी पोलिटिकल टैक्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल चेंजेस, ये तमाम के तमाम में एक निज़ामी हुकूमत को पॉलिटिकल सियासी निज़ाम को पॉलिटिकल सिस्टम जो उनका नया सियासी निज़ाम चलता है उसको रन करने के लिए ये तमाम के तमाम अपना लाया अमल या अपनी कारकर्दगी शो करते हैं। सो देन द फिफ्थ वन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम इज चेंज ऑफ बाउंड्री। Yes, and other respect students, and other respect of the concept of system is the change of boundary. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये बताना चाह रही हूँ मैं आपको, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो कंसिस्ट करता है इंटरैक्टिंग रोल्स ऑफ नेशनल्स सब्जेक्ट्स वोटर्स लेजिस्लेचर ब्यूरोक्रेट्स एंड जज। सो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि एक निज़ाम के एक पॉलिटिकल सिस्टम को सिर्फ उसको बनाने वाले ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसमें रहने वाले ही बेसिकली स्टूडेंट्स किसी भी हुकूमत को सिलेक्ट करने के लिए जो वोटर्स अपना किरदार अदा करते हैं और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स एंड जज। सो स्टूडेंट्स दीज दे ऑल प्ले देयर वेरी ग्रेट रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ ए पॉलिटिकल सिस्टम। सो बेसिकली स्टूडेंट जो बाउंड्री होती है, यानी फॉर एग्जांपल एक वोटर की जो बाउंड्री है एक लेजिस्लेचर की जो बाउंड्री है वो आपस में एक दूसरे से इंडल्ज होती है और वो एक सिस्टम को चलाते हैं। और इसी तरह इंडिविजुअल्स जो हैं जो अपना रोल सामाजिक और माशी तौर पर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं वो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल एक पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने के लिए भी अदा करते हैं, जबकि जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपना रोल किस तरह अदा करते हैं स्टूडेंट, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वोट इन द फॉर्म ऑफ पे टैक्स। सो बेसिकली स्टूडेंट दे चेंज देयर रोल फ्रॉम नॉन पॉलिटिकल टू पॉलिटिकल वंस। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स इलेक्शन के दिन, जैसे दैट द इलेक्शन डे हम देखते हैं कि इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर तो हर सिटीज़न बेसिकली अपना एक वोट डालता है, एक इंडिविजुअल अपना एक किरदार अदा करता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स अब जो सिटीजन्स होते हैं वो अपना घर अपनी रिहाइश
छोड़ते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं पोलिंग स्टेशंस पे, और अपना प्रॉपर तरीके से एक इंडिविजुअल राइट जो उनका है वो अदा करते हैं। और इसी वे में दे आर क्रॉसिंग द बाउंड्री फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिक्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स इन दिस फॉर्म वो अपनी जो हदबंदी होती है घर में रहने की, घर में अपने निज़ाम को चलाने की, वो अपनी हदबंदी को ख़त्म करके एक सियासी हदबंदी को टच करते हैं, यानी वो अपने रहनुमा को सिलेक्ट करने के लिए, पॉलिटिकल लीडर को सिलेक्ट करने के लिए वोट देते हैं। और इसी तरह ड्यूरिंग द वॉर टाइम द लार्ज फ्लक्चुएशन इन द बाउंड्रीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम टेक प्लेस। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और इंडिया है, उनकी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह उनकी चेंज ऑफ द बाउंड्री, पाकिस्तान का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडिया का अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, पाकिस्तान वाले अपने सियासी निज़ाम के अंदर या अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी को उसको क्रॉस करने पर को इंडिया की तरफ से उनकी पॉलिटिकल सिस्टम में खिलाफ वर्जी करने पर पाकिस्तान जो है अपना रिएक्शन दिखाता है बाउंड्री के बियॉन्ड, यानी वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है कि आपने ऐसी खिलाफ वर्जी क्यों की है। देयर फॉर द बाउंड्रीज ऑफ पोलिटिकल सिस्टम फ्रीक्वेंटली चेंज सो विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो फर्दर स्टूडेंट्स दीज वर द फाइव मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोलिटिकल सिस्टम। हाउ एवर स्टूडेंट्स आलमंड ने अपने पोलिटिकल सिस्टम को देखते हुए उसने भी कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक को डिफाइन किया है। आलमंड के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट आलमंड ये कहता है जो पोलिटिकल सिस्टम है देर इज़ यूनिवर्सलिटी ऑफ पोलिटिकल सिस्टम। वो ये कहता है कि पोलिटिकल सिस्टम के अंदर एक यूनिवर्सल निज़ाम है। इट मीन्स डैट पोलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट एवरीवे। वो ये कहना चाहता है कि पोलिटिकल सिस्टम हर मुल्क के, दुनिया के हर हिस्से में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो बरतानिया है, चाहे चाइना है, रशिया है, अफ्रीका है, फ्रांस है, पाकिस्तान है, हर जगह इट इज़ ए यूनिवर्सल सिस्टम। सेकेंड आलमंड क्या कहता है, पोलिटिकल सिस्टम परफॉर्म सेम फंक्शन दो देर मे बी डिफरेंस इन द डिफरेंट पोलिटिकल सिस्टम एंड देयर स्ट्रक्चर। और सेकेंड आलमंड ये कहना चाहता है कि पोलिटिकल सिस्टम हर मुल्क के अंदर एक जैसा निज़ाम और एक जैसी कारकर्दगी को सरंजाम देता है। थर्ड आलमंड क्या कहना चाहता है कि हर पोलिटिकल सिस्टम का एक स्ट्रक्चर होता है, यानी पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, और ऐसा मुमकिन है कि कुछ स्ट्रक्चर हैं वो स्पेशलाइज्ड हों और वो अपना फंक्शन दूसरे कम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छा अंजाम दें। उसके अलावा आलमंड ये कहना चाहता है कि हर पॉलिटिकल सिस्टम जो है इज़ मिक्स्ड इन द सेंस ऑफ कल्चर बिकॉज द सिस्टम कैन बी मोर एडवांस और लेस एडवांस। सो स्टूडेंट इन द पॉइंट इन द आलमंड्स पॉइंट ऑफ व्यू वो ये कहना चाहता है कि कोई भी निज़ाम, कोई भी सियासी निज़ाम उनके उस मुल्क के कल्चर से मुतल्लिक एडवांस भी होगा और लेस एडवांस भी। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने एक इस्लामिक स्टेट है, उसके अंदर एक इस्लामिक कल्चर है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली सियासी निज़ाम अपने इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इस्लामिक प्रिविलेजेस को मद्देनज़र रखते हुए फॉर्मुलेट होगा। जबकि अमेरिका एक डिफरेंट कंट्री है, अमेरिका के अंदर डिफरेंट कल्चर है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनका पॉलिटिकल सिस्टम उनके कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए एग्जिस्ट करेगा। देन फिफ्थ नंबर पे आलमंड क्या कहता है, आलमंड ये कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो मल्टी फंक्शनल होता है और डिफरेंट किस्म के फंक्शंस को इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन वो सर अंजाम देता है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट किस्म के इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, मीडिया है, सो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो अपने अपने रोल्स उनके फंक्शंस हैं, यानी मीडिया जिस अपने जिस काम के अंदर एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल अपनी डिफरेंट किस्म की मालूमात को जनरेट करना, इकट्ठा करना और उसे लोगों को तक पहुंचाना, वो फंक्शन अपना अंजाम देता है। फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो ये है कहते हैं कि वो मुख्तलिफ लोग जो हैं बग़ैर किसी मफाद के और बग़ैर किसी लायमल के अपने दूसरे फॉर एग्जांपल लीडर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि अगर आपने हमारी ये बात ना मानी तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ग्रुप वाले जो हैं वो अपना फंक्शन इस तरीके से सर अंजाम देते हैं कि उनका एक कोई ना कोई डेस्टिनेशन होती है, कोई ना कोई मफाद होता है और वो कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट रखते हुए अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। सो इन दिस वे इंटरेस्ट ग्रुप्स पीपल हैव अ स्पेशलाइजेशन इन देयर फंक्शन। सो बेसिकली स्टूडेंट्स ऑलमेंट्स वांट टू से दैट एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज मल्टी फंक्शनल एंड परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो विदाउट
विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन, के इंटरेस्ट ग्रुप वाले इस फील्ड के अंदर एक डिग्री नहीं रखते, लेकिन फिर भी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 15 लोग मिल के एक अपना ग्रुप बनाते हैं और वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मनवाते हैं। सो बेसिकली विदाउट हैविंग अ डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स ऑलमेंट वांट टू से वो अपने मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ को सर अंजाम देते हैं और एक पोलिटिकल सिस्टम के अंदर अपना निज़ाम हुकूमत चलाते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट दीज फाइव करेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम एंड मोर फर्दर फाइव करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पोलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग द व्यूज ऑफ ऑलमेंट वी डिस्कस टूडे। सो बेसिकली स्टूडेंट दीज करेक्टरिस्टिक प्ले देयर वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ अ पोलिटिकल सिस्टम। So this was the last characteristic of a political system according the Allman view. So this was the last line of our today's lecture. So thank you for your patience consultation with me. Allah Hafiz.